नमस्कार, वेब दुनिया समाचारों में आपका स्वागत है। पेश है अब तक की प्रमुख खबरें। मोदी ने दूर की कनाडाई निवेशकों की चिंता। मेक इन इंडिया अभियान के लिए निवेश का आह्वान करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कनाडा के उद्योगपतियों से मुलाकात की और उन्हें भरोसा दिलाया कि भारत में कर ढांचा स्थिर बना रहेगा। कंपनियों के सीईओ की तरफ से भारत में कर की स्थिरता को लेकर जताई गई चिंता के बाद प्रधानमंत्री ने उन्हें यह भरोसा दिलाया। बैठक के बाद सभी उद्योगपति भारत को लेकर सकारात्मक थे और कनाडाई कंपनियों ने भारत में रुचि दिखाई। अलगाववादी नेता मसरत आलम गिरफ्तार। अलगाववादी नेता मसरत आलम को जम्मू कश्मीर पुलिस ने शुक्रवार सुबह गिरफ्तार कर लिया। उस पर देशद्रोह का मुकदमा भी दर्ज किया जा सकता है। सूत्रों के अनुसार मसरत को गिरफ्तारी के बाद हुमहुमा थाने ले जाया गया है। पुलिस ने श्रीनगर में एक रैली के दौरान राष्ट्र विरोधी नारेबाजी करने के लिए गिलानी और मसरत आलम के खिलाफ गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम कानून UAPA के तहत मामला दर्ज किया था। पुलिस ने गिलानी को नजरबंद किया है। ओबामा ने फिर की मोदी की तारीफ। अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सराहना करते हुए उन्हें भारत का रिफॉर्मर इन चीफ बताया है। ओबामा ने मोदी पर लिखे अपने लेख में यह बात कही है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने लिखा है कि मोदी भारत के विकास की ताकत है। गरीबी हटाने व शिक्षा पर जोर देने के उनके प्रयास सराहनीय है। एक बेटे के रूप में उन्होंने अपने पिता को चाय बेचने में मदद की ताकि उनके परिवार को आर्थिक मदद मिले। आज की तारीख में वे दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के नेता हैं। गांगुली हो सकते हैं टीम इंडिया के कोच। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान सौरव गांगुली यदि भविष्य में मुख्य कोच बन जाएं, तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। भारतीय टीम के वर्तमान कोच डंकन फ्लेचर का अनुबंध मई 2015 में खत्म हो रहा है। यह संभावना काफी प्रबल दिखाई दे रही है कि गांगुली उनका स्थान ले सकते हैं। गांगुली से जब यह पूछा गया कि क्या वह भारत का अगला कोच बनने के दावेदार हैं, तो उन्होंने कहा कि मैं भी यह पहली बार सुन रहा हूं। उन्होंने कहा कि मैं इस बारे में कुछ नहीं कहना चाहता, कयास मत लगाइए, कोई अंदाजा मत लगाइए। आप विधायक की जन्मदिन पार्टी में मारपीट। आम आदमी पार्टी की विधायक और पूर्व मंत्री राखी बिरलान की जन्मदिन पार्टी का मजा उस समय किरकिरा हो गया जब कुछ लोगों के बीच जमकर मारपीट हो गई। राखी वर्तमान में मंगोलपुरी से विधायक है। दरअसल किराड़ी से आप विधायक ऋतुराज भी राखी को बधाई देने आए थे। राखी और ऋतुराज ने इस दौरान जमकर डांस भी किया था। इसी बीच किराड़ी इलाके के कुछ लोग वहां पहुंच गए। ये सभी लोग जैसे ही वहां पहुंचे तो ऋतुराज आग बबूला हो गए। बस फिर क्या था, झगड़ा शुरू हो गया। धक्का मुक्की के साथ ही नौबत मारपीट तक पहुंच गई।